Ladies and gentlemen, India's MC Mary Kong. Attack, Mary, attack! हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म मेरी कॉम को प्रमोट करने के लिए स्पेशल इंटरव्यू देने आई प्रियंका चोपड़ा और उनके हीरो दर्शन कुमार। तो क्या क्या थी इस इंटरव्यू की हाइलाइट्स, आइए हम आपको दिखाते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। किसने सोचा होगा लड़कियों के डोले होते हैं, मेरे तो डोले निकल गए थे। घोंट के पी लिया मैंने मेरी कॉम को। बॉक्सर्स यू नो, बहुत सालों के बाद जब इतने साल गेम खेलते हैं तब उनकी बॉडी वैसे बनती है। मेरे पास सिर्फ 90 दिन थे, 3 months, और मैं साथ में क्रिश की शूटिंग कर रही थी, गुंडे की शूटिंग कर रही थी, रामलीला का गाना कर रही थी। सो आई डिडंट हैव द लग्जरी कि मैं बहुत वक्त बिताऊँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि होगा कि नहीं। मैं यहाँ मैरी का हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ, ऑन लव, जो रियल पर्सन है, जो जीवित हम सबके सामने, तो उनको डेपिक्ट करना बहुत चैलेंजिंग था। मुझे इसके लिए कम से कम 12 किलो वेट कम करना पड़ा, क्योंकि उनकी तरह लीन दिखना था, काफ़ी लीन है। और मुझे मणिपुरी एक्सेंट सीखना पड़ा जो हमने फिल्म में यूज़ किया है, विच वॉज वेरी चैलेंजिंग। हर पल हसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला फाइटर्स कभी हार नहीं मानते, तो क्या कभी प्रियंका की लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है कि जब आपने ये सोचा हो कि नहीं यार मैं थक चुकी हूँ, कभी आपने लूज़ की? बहुत बार होता है ऐसा। ऑनलर का डायलॉग है फिल्म में जो दर्शन ने प्ले किया है, एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मेरी गिव अप करना चाहती है। 3-time वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर बस हो गया, बॉक्सिंग खत्म, क्लब्स के तरह तेरा। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। दुनिया बॉक्सर मेरी कॉम को भूल गया है, क्या मेरी कॉम बॉक्सिंग भूल गया है? लेकिन उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि तुम एक फाइटर हो और फाइटर कभी गिव अप नहीं करता। तुम एक फाइटर है तो है, और फाइटर कभी हार नहीं मानता। एक औरत माँ बनकर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और तुम्हारा ताकत अब 2 गुना बढ़ गया है। और ऑफ कोर्स हर इंसान की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं जहाँ पे आप थक जाते हो यार लड़के, लेकिन आई थिंक एक इंसान की स्ट्रेंथ की परख तभी होती है जब वो सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में स्माइल करके उसको क्रॉस करे। आई थिंक वो एक इंसान की अग्नि परीक्षा होती है, एंड एवरी वन ऑफ अस गोस थ्रू। बॉलीवुड की दो बड़ी हसीनाओं के साथ काम किया है, प्रियंका एंड अनुष्का, तो आपको किसके साथ काम करने में ज़्यादा मजा आया? आई नो ये आंसर डिप्लोमेटिक होगा। आप मुझे लगता है यहाँ से बॉक्स बढ़ने वाला है और वहाँ से लात घुसे, तो दोनों के साथ मज़ा आया। बहुत सपोर्टिव रही है पूरी फिल्म में। मैं न्यू कमर था, मैं बहुत सोचा था कैसे होगा इतनी बड़ी स्टार के सामने काम करना, एंड दैट्स अ फैक्ट, शी इज अ सुपर स्टार, नो डाउट ऑफ दैट, एंड कि कैसे मैं करूँगा, कैसे होगा। लेकिन राइट फ्रॉम माय फर्स्ट मीटिंग विद हर, इन्होंने इतना कंफर्टेबल मुझे किया, इतना मुझे इज्जत दी, इतना मुझे सिखाया, समझाया हर चीज़ को कि नर्वसनेस कहीं रही नहीं। तो ये शी इज सुपर्ब इन ईच एंड एवरीथिंग। और अनुष्का बहुत स्पॉन्टेनियस है, वो जब सेट पे रहती हैं तो एक पूरी एनर्जी के साथ आती हैं, और आई थिंक दोनों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और इस इंटरव्यू के बाद सेम कॉस्ट्यूम में प्रियंका हमें दिखी डायरेक्टर उमंग कुमार के साथ फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग पर। हालांकि प्रियंका ने यहां मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन फिल्म को लेकर उनका कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वी होप कि प्रियंका की ये परफॉर्मेंस ऑडियंस को जरूर पसंद आएगी।